अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको लीफ ट्यूटोरियल बताऊंगी जो कि मैंने अपने स्टूडेंट लोग को सिखाया है, तो आप सबको भी बताऊंगी, तो आप सब भी देखिए और सीखिए। और अगर हमारे YouTube चैनल से आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा आप, कॉल पर मुझसे बात नहीं हो पाएगी, व्हाट्सएप पर बात हो पाएगी, ठीक है? तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें और चलिए मैं आपको लीफ करके बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको ये दो ऑरेंज कलर की लीफ दिख रही हैं आपको, मैं ये लीफ करके दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी दिख रही है। तो इस तरह की मैं लीफ बताऊँगी आपको, और इन लीफ के लिए मैंने ये तीन कलर लिया हुआ है जिससे मैं करके दिखाऊँगी कैसे करना है। तीन कलर से बहुत ही प्यारी सी लीफ आपकी जो है तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप कलर देख लीजिए, ये फेविक्रिल एक्रेलिक कलर है जो कि आप कपड़े पे कर सकते हैं और कपड़े से निकलता नहीं है, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत लोग कमेंट कर से निकल जाता है। और ये देखिए ये फैब्रिका एक्रेलिक कलर है कैमल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर अल्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये भी है ऑरेंज और वाइट जो है फेविक्रिल कलर है और ये फैब्रिका। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसकी पेंटिंग करेंगे, ठीक है? पहले आप ब्रश देख लें, ब्रश हमारा फ्लैट रहेगा वो भी 3 नंबर का, क्योंकि लीफ थोड़ी बड़ी है तो हम 3 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, ये 3 नंबर का है और ये फ्लैट ब्रश आप देख सकते हैं जिसपे हमने कलर लोड किया हुआ है। तो आप देख लीजिए ये फ्लैट ब्रश है, ये कहीं भी मिल सकता है, आपके मार्केट में मिल सकता है ऐसा ब्रश, आप ले सकते हो। और फिर इस तरह से देखिए हम कलर लेंगे अच्छे से ब्रश पर लोड करेंगे, और उसके बाद लीफ का जो शेप रहेगा यानी कि जो लीफ की कटिंग रहेगी किनारे साइड की, उसको पहले हम आउटलाइनिंग अच्छे से करेंगे ताकि उसमें जो सफाई से वो बहुत फिनिशिंग आए, अच्छी आए, और हमारा कलर जो है ऊपर नीचे बिल्कुल ना दिखे। ऐसा कभी कभी होता है कि हम कलर लगाते हैं और हमें कलर करने की आदत नहीं होती तो हमारा कलर जो है साइड वाला फिनिशिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले आप भरपूर कलर ले कर अच्छे से पहले आउटलाइनिंग कर लें, उसके बाद पूरी लीफ को फिल कर लें। सबसे इजी तरीका मैं बता रही हूँ आपको करने का, और इस तरह से आप करेंगे तो आपकी लीफ जो है खूबसूरत और अच्छी बनेगी। और वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो जो मैंने ज़रूरी बातें बताई हैं वो आप मिस करेंगे, और उसकी वजह से अगर आप पेंटिंग करेंगे तो उसमें रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमने कलर को किस तरह से फिल किया है, किनारे का साइड पहले हम बनाते जाएंगे, आउटलाइनिंग करते जाएंगे, उसके बाद अंदर हमें कलर को फिल करना है, और पूरी लीफ है हम उसको फिल करके उसके बाद जो है आपको उसका अगला स्टेप बताती हूँ। तो लीफ का कभी कभी ड्रॉ करने में आड़ी टेढ़ी हो जाती है फ्रेंड्स, तो आप कलर करने में उसको अच्छा सा शेप दे लें जैसा आपको परफेक्ट लगे, ठीक है? अगर आपको लीफ की ड्रॉइंग सही नहीं बनी है तो आप उसको बाद में भी कलर के हिसाब से सही कर सकते हैं कलर की मदद से, अगर आप ड्रॉइंग नहीं कर पाते हैं सही तो उसको कलर करते टाइम अगर आपको कुछ उसमें डाउट लगे तो उसको सही कर लें ताकि आपकी जो लीफ है वो सही हो जाए। और मैंने वीडियो को स्लो किया हुआ है ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से और अच्छे से दिखे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने लिया है मरून कलर, और मरून कलर का जो है हमने इस तरह से ब्रश को खड़े करके लाइनिंग बनानी है, यानी कि एक लाइन इस तरह से खड़ी करके हमें आधे लीफ से थोड़ा सा ऊपर रहेगी तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना, पूरी लीफ का हाफ पार्ट आपको नहीं बनाना है, हाफ दोनों दो भाग में लीफ को नहीं बांटना है, बस इसी तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें से शेड करेंगे, और जब हम आउटलाइनिंग करेंगे जो हमारी गहराई रहेगी आउटलाइनिंग में, जो जिधर गहराई रहेगी उधर हम डार्क शेड लगाएंगे, और जिधर उठा रहेगा यानी कि जब सर्कल देते हैं तो एक गहरा आता है और एक ऊपर से उठा हुआ उस राउंड के जो बाहरी हिस्सा रहता है उस पर हम लाइट कलर वाइट कलर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर साइड पहले यहाँ पे मरून से शेड कर लेते हैं, और देखिए ब्रश को किस तरह मैं रखी हूँ, इस तरह से आप बनाएं, और इस तरह से बहुत हल्के हाथों से आपको जो है शेड करना है। और जब भी इस तरह से आप आउटलाइनिंग कर लें तो कलर के अंदर से जो भी आपके लीफ की मतलब बाहरी हिस्सा है उसके अंदर ही ब्रश को रख के आपको शेड बनाना है, अगर आप बाहर आपका ब्रश थोड़ा सा भी गया तो आपके लीफ की जो फिनिशिंग है वो बेकार हो जाएगी, और आपकी लीफ जितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए
वो बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा मरून शेड रहना चाहिए और नीचे से यहाँ इस तरह से रहना चाहिए। नीचे से हमारा ज़्यादा करते हुए मरून शेड ऊपर की तरफ पतला हो जाएगा और यहाँ लिफ में आप बराबर देख सकते हैं। और ये ब्रश आप देख सकते हैं, अब हमने ब्रश को वॉश करके आपको दिखाया है, उसको वॉश कर लें पहले और उसके बाद वाइट शेड लें। वाइट शेड लेने के बाद हमें जहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर है वहाँ पे हम लगाएंगे। चलिए हमारे आपको वाइट कलर लगा के दिखाते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें वाइट कलर का थोड़ी थोड़ी आउटलाइनिंग करनी है और बिल्कुल जहाँ पे किनारे का पार्ट है वहाँ पे हमारा कलर वाइट जो है लगना चाहिए, ऑरेंज कलर ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप ब्रश को चलाएं ताकि लगे, आपका कलर अच्छे से पहुँच जाए, ऑरेंज कलर जहाँ तक हमने ऑरेंज कलर का शेड है वहाँ तक पहुँच जाए। और इस तरह से आपको बारीक बारीक शेड जो है इस तरह से डालना है और इस तरह से कलर ज़्यादा हो जाते हैं तो आप ब्रश को कपड़े पर थोड़ा सा साफ़ करें हल्का सा, उसके बाद फिर शेड को करें तो सही हो जाएगा। मेरा नहीं जाता, मैंने अपने हिसाब से बना लिया उसको, लेकिन आपका अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप कपड़े पे ब्रश को थोड़ा सा टिश्यू पेपर या किसी पे चीज़ पे कलर को साफ़ कर लें, उसके बाद शेड करें। और फिर यहाँ पे बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे जहाँ से हमने मरून शेड दिया था, लाइनिंग बनाई थी, वहाँ से बिल्कुल उसके थोड़े से मतलब उसको एकदम उसके साइड में ही हमें वाइट कलर लगाना है, ना दूर रहेगा ना तो उसके ऊपर रहेगा, बिल्कुल उसके साइड में लगाना है और इस तरह से उसका शेड देना है। देखिए नीचे की साइड हमारा शेड बड़ा रहेगा और जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो शेड हमारा जो है छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं शेड कर रही हूँ और फिर उसके बाद इस तरह से इसमें अच्छे से शेड डाल देंगे। शेड को हम बराबर कर देंगे, कहीं कहीं दूर और नज़दीक था तो एक बार पहले शेड का शेप बना लेंगे, उसके बाद इस तरह से शेड जो है हमारा उसको बराबर कर देंगे। और ये लिफ तीन कलर में ये लिफ रेडी हो गई है और आप भी इस तरह से खूबसूरत लिप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इसको वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिप बनाई हुई थी उसमें आपको कलर करके दिखाया है, तो इसी के साथ मैं एक लिप आपको बना के उसको दूसरे कलर में दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और लिप की ड्राॅइंग भी समझ में आ जाए कैसे लिप बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं लिप की ड्राइंग। और जब भी आप ड्राइंग करें उससे पेंसिल से कपड़े पे करें, अगर कलर से करेंगे तो जब भी आप पेंटिंग करेंगे कलर हमारा कपड़े कलर जो हमारा है वो जो हम पेंट करेंगे वो पेंट में मिक्स हो जाएगा तो शेड अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जब भी पेंटिंग ड्राइंग करें पेंसिल से करें ताकि आपके कलर का जो शेड है वो जैसा रहे वैसा ही आए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राॅइंग हमारी जो तैयार हो चुकी है, इसको आप और अच्छे से शेप दे दें और अच्छे से बनाएं जैसे आपको समझ में आए कि आपको करने में इजी लगे। मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस तरह से ड्राइंग मैं करती हूँ, पहले एक लाइनिंग कर लें उसके बाद आपकी जो लिप का शेप रहेगा वो आपके लिए बनाने में आसानी हो जाएगी। आप जिधर लिप को घुमाना चाहें उधर घुमा सकते हैं, मैंने लिप को बनाया और ऊपर तरफ उसका मुड़ाव किया है, लेकिन अगर आप इस तरफ भी बनाना चाहते हैं तो इस तरफ भी बन जाएगा। जिस तरफ आप बनाना चाहेंगे उस तरफ आपका जो मुड़ाव रहेगा वो बन जाएगा। तो मैंने ऊपर की साइड झुकाव किया है क्योंकि हमारी डंठल नीचे थी तो हमने थोड़ा सा ऊपर बना दिया, लिप का शेप भी अच्छा लगेगा और जो है लिप भी अच्छी लगेगी। अगर आपको राइट साइड का झुकाव चाहिए तो सॉरी, अगर आपको दूसरी साइड का झुकाव चाहिए तो मैं जो है उसकी भी वीडियो बना सकती हूँ और भी दूसरे मतलब दूसरे हिसाब से पेंटिंग का, तो आपको उस तरह की मैं लिप बना के दिखा सकती हूँ। तो अभी के लिए आप ये लिप देख लीजिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक और लिप बना के दिखाऊंगी वो भी दूसरे शेड से। तो देखिए इस तरह से लिप की जो कटिंग है वो मैं बनाते जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारी एक ड्राइंग थोड़ी सी बाहर निकली थी तो वहाँ ज़्यादा लग रहा था, तो हमने उसके अंदर ही कलर फिल किया है, उसके अंदर ही आउटलाइनिंग करते हुए लिप को बनाया है।
तो आप आपकी ड्राइंग कभी कभी अगर गलत हो जाती है तो इस तरह से आप सही कर लें, कलर जहाँ से आपको लगी वहाँ से लें और उसको सही से बनाते हुए जाएँ। देखिए ये हमारे लीफ का जो शेप बन गया है, अब हम इसमें कलर को फिल करेंगे बहुत अच्छे से। इसको अच्छे से फिल कर लें, एक दूसरे में हमारा कलर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से बन जाए। चलिए इसमें कलर फिल करेंगे अच्छे से, कलर लेना है और अच्छे से इसको तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लीफ है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शर्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने छोटी छोटी वीडियो को कहा था लेकिन इतनी बड़ी वीडियो बना दी, तो फ्रेंड्स क्या करूँ, मैंने एक साथ दो लीफ की वीडियो डाल दी है और मैंने स्लो भी कर दिया है, इसके लिए टाइम ज़्यादा हो गया। अगर मैं स्लो नहीं करती तो शायद 8 मिनट की या तो 7 मिनट की वीडियो रहती आपकी, तो मैंने स्लो करके दिखाया ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो लोग आराम से अगर देखेंगे तो उनको बराबर समझ में आएगा। इसके लिए हमने वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर है हमारा, यहाँ पे हमने ब्लू कलर लिया है और इस तरह से उसको शेड करेंगे। ये लिप भी बहुत ही प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं इसका शेड जो है बहुत ही प्यारा सा दिखता है। और आप जब भी लें ये शेड करने के लिए जो डार्क ब्लू होता है वो लीजिए, हमारा जो ब्लू हमने लिया है वो लाइट कलर है, तो जब आप डार्क शेड लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं कलर। तो हमने जो ब्लू लिया है वो ब्लू लाइट ब्लू है, तो इसका शेड उतना डार्क नहीं आता है जैसा आना चाहिए, फिर भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ और इसलिए बता रही हूँ कि आप हमेशा डार्क शेड का यूज़ करें ताकि आपकी जो लीफ है उसमें अच्छी सी खूबसूरती आए। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमें आउटलाइनिंग करते जाना है, उसमें से शेड देते जाना है अपनी लिप का। और देखिए इस तरह से ऊपर तक लगाना है। थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्लो किया हुआ, मैंने जैसे कि बताया स्लो मोशन किया हुआ ताकि आपको बराबर समझ में आ जाए कहाँ कैसे मैं ब्रश को रखी हूँ, कैसे उसको इस तरह से शेड कर रही हूँ लिप को, तो आप ध्यान दीजिए। और अब बारी है वाइट कलर लगाने की, तो चलिए हम वो भी लगा के दिखाते हैं आपको और लिप का फाइनल लुक दिखाते हैं, लिप हमारी कैसी दिखती है, ठीक है। तो चलिए वाइट कलर थोड़ा सा मैं ले लूँ और उसके बाद इसका जो शेड है उसको कैसे देना है ये बताती हूँ। देखिए इस तरह से देख रहे हैं मैं किस तरह से कलर लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लगाना है और इस तरह से शेड करने हैं, आउटलाइनिंग करते जाएंगे, शेड को देते जाएंगे, आउटलाइन करते जाएंगे, इसमें शेड देते जाएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से बस संभाल संभाल के आप शेड दें। और ऊपर थोड़ा ब्रश को मतलब ऐसे कपड़े पे दबाना है और जब नीचे हम शेड को खींचेंगे तो हल्का कर देना है जिससे हमारे जो बारीक शेड हैं वो अच्छे से आएंगे। और देख सकते हैं आप इस तरह से हल्का हल्का करके इस तरह से शेड को हमें बना देना है और किनारे पे थोड़ी फिनिशिंग लाना है, तो उसको अच्छे से आप ब्रश से दोबारा से उसको शेड आउटलाइनिंग जो है हमारे उसको सही कर लें इस तरह से। देखें इस तरह से करके इस तरह से शेड करेंगे तो आपकी जो आउटलाइनिंग वो सही हो जाएगी और उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ से हम लगाएंगे वाइट कलर और उसके बाद देखिए इस तरह से इसमें शेड डालेंगे और पूरा ऊपर तक आप शेड ना डालें, बस थोड़ी दूर तक इस तरह से लाइनिंग बनानी है। आप देख सकते हैं जहाँ तक हमने बनाया है यहीं इस तक बनाना है, उसके बाद नीचे से इस तरह से शेड को सही कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो लिप है वो तैयार हो चुकी है और ये बनाने के बाद बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी अच्छी सी दिखती है फ्रेंड्स। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आती है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख के आप उसको ट्राई करें और उसको बनाएं, इंशाल्लाह आप ज़रूर बना लेंगे। और जो भी मेरे कस्टमर हैं माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं, तो अगर आपको भी सीखना है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ से। नेक्स्ट महीने में आपको क्लास जो है दूसरा बैच रहेगा, उसमें आप सब सीख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और ये 1 महीने का कोर्स है, आप 1 महीने में अच्छी से अच्छी पेंटिंग जो मैंने जितनी पेंटिंग बताई है अपने यूट्यूब चैनल पे उस तरह की पेंटिंग आप सीख सकते हैं और मनचाही डिज़ाइन अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े और अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें और इस तरह की पेंटिंग करें। तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाइट कलर हमने लगाया था इसमें थोड़ा सा हल्का सा पिंक शेड दे देंगे तो ये लिप और भी ज़्यादा खूबसूरत सी अच्छी सी दिखेगी।
बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा शेड देना है। पहले आप ब्रश को वॉश कर लीजिएगा जो भी कलर लगाया है, और उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, और वाइट शेड जो हमने लगाया है उसी पे हमें हल्का हल्का सा शेड देना है। इससे हमारी लिप जो है कलरफुल और अच्छी दिखती है। तो आप सामने से जब देखेंगे तो आपको लिप जो आपने बनाई है वो बहुत ही अच्छी दिखने वाली है और बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली है। तो जो देखिए हमारा जो पिंक शेड था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हमने यहाँ पर वाइट कलर लेके उसको और पिंक शेड में मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लिप जो है वो तैयार हो चुकी है और थोड़ी सी कलरफुल दिख रही है। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी जो लिप है वो प्यारी सी और अच्छी सी दिखेगी, और माशाल्लाह से आपकी जो पेंटिंग रहेगी वो और भी अच्छी दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हमारी लिप कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और दिए गए नंबर पर ऑनलाइन क्लास करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। फिर आएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।